टेलीकॉम सेक्टर के लिए साल की अगली छमाही काफी बेहतर साबित होने वाली है। हर बड़ा एनालिस्ट टेलीकॉम सेक्टर पर दाव लगाने पर जोर दे रहा है। हाल ही में देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हुई, जिसमें देश की तीनों बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। 26 जून को दूसरे दिन बोली लगाने के कुछ ही घंटों के अंदर नीलामी खत्म हो गई। ऐसे में अब टेलीकॉम सेक्टर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में इस सेक्टर में मौजूद तीनों कंपनियां अपने कारोबार को फैलाने में जुट जाएगी। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही ये तीनों कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे ना। सबसे पहले बात करें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की, तो सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से जैसी बोलियों की उम्मीद थी वैसी बोलियां नहीं मिली। 96,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां मंगाई गई थी, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए पर खत्म हो गई। इस स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा बोलियां एयरटेल की ओर से लगाई गई। भारतीय एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के साथ साथ 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा। वहीं रिलायंस जियो ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G बैंड खरीदी है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 900, 1800, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि अब जब नीलामी खत्म हो गई है, तो विशेषज्ञों का सुझाव है कि टैरिफ बढ़ोतरी और संभावित 5G मोनेटाइजेशन को देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर के लिए दूसरी छमाही काफी एक्शन पैक्ड रह सकती है। वैसे टैरिफ बढ़ाए जाने की चर्चा कब से हो रही है, पहले ही ये कयास लगाए जा चुके थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद जुलाई से अक्टूबर के बीच भारतीय टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी करेगी। दिसंबर 2021 में 20% की आखिरी टैरिफ बढ़ाने के बाद अब इस साल 15-20% टैरिफ बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ये टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में इजाफा क्यों करेगी। दरअसल टैरिफ में ग्रोथ से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रिटर्न रेशियो को बढ़ाने और इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में इससे मदद मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 11,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को 10 दिन में सरकार को ये रकम जमा करवानी होगी। फिलहाल इस सेक्टर में जियो और एयरटेल का दबदबा है। वोडाफोन आइडिया को भी 5G नेटवर्क फैलाने पर काफी जोर देना होगा। ऐसे में आने वाले समय में तीनों ही कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार कैसे करेगी, उस पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। और आने वाली छमाही में टेलीकॉम सेक्टर में बूम आएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।